हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम अशोक, मैथ्स फैकल्टी इन जीपीएस इंग्लिश मीडियम स्कूल गुडागोड़ जी। आशा करता हूँ आप सभी घर पर स्वस्थ हैं। इस कोरोना पेंडेमिक के कारण माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने मैथ्स और एसएसटी की एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया था, जिसका टाइम टेबल आ चुका है। मैथ्स और एसएसटी की एग्जाम 29 और 30 जून को होनी है। तो हम इस वन मंथ के टाइम पीरियड में जो भी आपने पढ़ा है टेंथ क्लास में कंप्लीट, अच्छे से आपकी प्रिपरेशन है, फिर भी हम उसको रिवाइज करने जा रहे हैं, ठीक है। इस रिवीजन में मैं चैप्टर 11 स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसका नेम है सिमिलरिटी। देखो, सिमिलरिटी की बात करते हैं, इसका पहले बेसिक पार्ट समझाता हूँ मैं थोड़ा सा आपको। सिमिलरिटी में एक तो आपको देखनी है शेप और एक साइज। आपने नाइन्थ क्लास में कॉन्ग्रेंसी पढ़ा है, कॉन्ग्रेंसी और सिमिलरिटी में क्या डिफरेंस है पहले तो हम ये चेक करेंगे, और उसके बाद हम आगे सिमिलरिटी की बात करेंगे। जैसे मेरे पास ये मार्कर है और मैं ऐसा सेम दूसरा मार्कर लेके आ जाऊं, दोनों मार्कर में साथ में रखूंगा, सेम मार्कर मींस साइज और शेप दोनों सेम है, साइज और शेप दोनों सेम होंगी तो वो कॉन्ग्रेंट होगा। साइज और शेप दोनों सेम होगी तो वो क्या होगा, कॉन्ग्रेंट होगा। इसको हम बोलते हैं कॉन्ग्रेंट। लेकिन इस चैप्टर में हम बात कर रहे हैं सिमिलरिटी की। सिमिलरिटी का मतलब है कि हमें साइज से कोई लेना देना नहीं है, हमारे पास शेप सेम होनी चाहिए। क्या सेम होनी चाहिए, शेप। एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपने ताजमहल की फोटो देखी है, सपोज एक फोटो आपके पास ताजमहल की बड़ी साइज की है और एक आपके पास ताजमहल की छोटी साइज की फोटो है। अब ध्यान दो आप इधर, यहां मैं बात कर रहा हूं साइज और शेप की। एक तो मैं बात कर रहा हूं किसकी, साइज की, और एक मैं बात कर रहा हूं शेप की। मैं यहां इनकी साइज चेक करूंगा तो दोनों की साइज डिफरेंट है, दोनों की साइज क्या है, डिफरेंट, लेकिन शेप सेम है। साइज सेम नहीं है लेकिन शेप सेम है। और वो शेप कैसे सेम है, ताजमहल है वो तो जैसा बना हुआ है वैसा का वैसा ही रहेगा, आप उसकी कितनी बार ही पिक्चर ले लो वो तो सेम ही रहेगा। मीन्स दिखने में सेम है तो उसकी शेप सेम है। और जहां शेप सेम होती है वहां होती है सिमिलरिटी, वहां क्या होती है, सिमिलरिटी। बात समझ में आई आपको। एक और एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको, कुछ इधर क्वेश्चंस भी हैं उनसे रिलेटेड एग्जांपल्स भी ले लेंगे हम। जैसे आपके पास एक सर्कल है और एक मैंने दूसरा बड़ा सर्कल बना दिया, ये स्मॉलर सर्कल है और ये बिगर सर्कल है। अगर कोई आपसे पूछे ये क्या है तो आप सिर्फ शेप देख के बोलोगे, और शेप देखते ही आपने डिसाइड कर लिया कि ये तो सर्कल है, ये तो क्या है, सर्कल्स। और सर्कल्स है मीन्स इनकी शेप सेम है, सर्कल्स है मीन्स इनकी क्या हो गई, शेप हो गई इनकी सेम, शेप सेम, लेकिन साइज दोनों की डिफरेंट है, एक तो स्मॉलर है और एक क्या है, बिगर। जहां साइज डिफरेंट है बट शेप सेम हो, बट शेप क्या हो, सेम, तो वहां होती है सिमिलरिटी, वहां क्या होगी, सिमिलरिटी। और एग्जांपल्स लेते हैं सर्कल्स के अलावा, मैं बात करूं स्क्वायर्स की, स्मॉलर स्क्वायर और एक दूसरा मैंने बिगर स्क्वायर बना दिया। कोई आपसे पूछेगी ये है क्या, अगर इनको देखोगे और देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये दोनों स्क्वायर हैं। स्क्वायर की कंडीशंस प्रॉपर्टीज पता है, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, ईच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, डायगनल्स आर इक्वल एंड डायगनल्स आर बाइसेक्ट टू ईच अदर एट 90 डिग्री एंगल। मींस देखते ही आपने बोल दिया ये क्या है, स्क्वायर्स हैं। क्यों, क्योंकि इनके ऑल साइड्स इक्वल है, ऑल साइड्स एक और डायग्राम में सेम होती है, यस, रोम्बस में। स्क्वायर स्क्वायर मीन्स शेप सेम, स्क्वायर स्क्वायर इट मीन्स शेप सेम बट साइज डिफरेंट, शेप सेम है मीन्स ऑल स्क्वायर्स क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। एक्सरसाइज 11.1 के कुछ क्वेश्चंस हैं, ध्यान दो आप इधर। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स फर्स्ट पार्ट, All the circles are similar or congruent. आगे आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं इसके, सिमिलर और कॉन्ग्रेंट। तो आपको यहां फिल करना है कि यहां सिमिलर राइट करोगे या कॉन्ग्रेंट राइट करोगे। तो आपको पता है ऑल सर्कल्स आर, इफ ऑल सर्कल्स हैविंग सेम रेडियस,
If all circles having same radius, then all circles are congruent. But in these questions, don't given about radius. Then we can say all circles are similar. Means ये जितने भी circle हैं वो कैसे होंगे? Similar होंगे. Next, all the squares are. Means जितने भी squares हैं वो कैसे होते हैं? All circles complete. Sorry, all squares complete squares similar or congruent. अब यहां पर भी ऑल स्क्वायर्स बोला है, हमें साइड्स के बारे में कुछ भी पता नहीं है, साइड्स के बारे में गिवन नहीं है. और साइड्स के बारे में गिवन नहीं है मींस हम ये नहीं बोल सकते कि वो जितने भी स्क्वायर हैं वो सेम साइज के हैं या डिफरेंट साइज के हैं. ठीक है, जब साइड्स के बारे में नहीं पता तो हम सेम साइज के उनको नहीं बोल सकते, तो हम उनको कॉन्ग्रेंट नहीं बोल सकते. लेकिन स्क्वायर हैं, साइज सेम नहीं है, लेकिन शेप तो सेम है, और शेप सेम होते ही क्या बन जाएंगे, वो भी सिमिलर. नेक्स्ट एग्जांपल देखो, ऑल ब्लैंक ट्राइंगल्स आर सिमिलर. अब इन ट्राइंगल में कोई स्पेशल टाइप का ट्राइंगल होगा जो सिमिलर होता है, और वो कौन सा स्पेशल टाइप के ट्राइंगल्स होते हैं जो सिमिलर होते हैं? देखो, यू नो अबाउट इक्विलेटरल ट्राइंगल. This triangle is triangle ABC and this triangle is equilateral triangle. Equilateral triangle, it means all sides are equal. Means we can say AB equal to BC equal to AC. AB equal to BC equal to AC. And another equilateral triangle. AB. Another equilateral triangle P, Q and R. ए बी बी सी ए सी ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल एंड इन दिस ट्राइंगल पी क्यू क्यू आर एंड पी आर ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल. मीन्स वी कैन से ईच एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री ऑफ बोथ ट्राइंगल एंड इन फर्स्ट ट्राइंगल ऑल साइड्स आर इक्वल इन सेकेंड ट्राइंगल ऑल साइड्स आर इक्वल. मीन्स कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. Each corresponding angle, angle B equal to Q, C equal to R and A equal to P. Means corresponding angles are equal and ratio of corresponding sides are equal. अब कैसे चेक करोगे आप रेशियो? Let AB is equal to 2 cm. AB आपके पास 2 cm है. Then BC is also 2 and AC 2 cm. Second, in second triangle, assume PQ 4 cm. QR 4 cm and PR 4 cm because this triangle is also equilateral triangle. Now ratio of corresponding sides AB upon PQ. Ratio of corresponding sides AB upon PQ, BC upon QR and AC upon PR. Each value is equal to 2 upon 4. 2 upon 4 it means 1 upon 2 means we can say AB upon PQ equal to BC upon QR equal to AC upon PR. यहां क्या है? All sides का corresponding sides का ratio equal है और corresponding angles equal है. Means all equilateral triangles भी क्या होते हैं? Similar triangle होते हैं. और यहां से आपको two conditions के बारे में information मिली है. और वो two conditions कौन कौन सी हैं? देखो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड कंप्लीटेड. नाउ फोर्थ, टू पॉलीगन्स हैविंग सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर. टू पॉलीगन्स, पॉलीगन्स मीन्स ए क्लोज्ड फिगर सराउंडेड बाई साइड्स और लाइन सेगमेंट्स. टू पॉलीगन्स हैविंग सेम नंबर ऑफ साइड्स मीन्स ऐसे कोई पॉलीगन जिनमें नंबर ऑफ साइड सेम है. नंबर ऑफ साइड्स मीन्स जितनी साइड्स हैं. सपोज फर्स्ट पॉलीगन में 3 साइड्स तो सेकंड में भी क्या होंगी? 3 साइड्स. सपोज फर्स्ट में 4 साइड्स देन सेकंड में भी कितनी होंगी? 4. नंबर ऑफ साइड्स सेम. टू पॉलीगन्स हैविंग सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर मीन्स वो सिमिलर हैं. ये गिवन है आपको. कब? इफ. अब वो कंडीशंस बतानी है जिनकी हमें हमने अभी बात की है. इफ, अब वो कंडीशंस कौन सी होंगी? फर्स्ट कंडीशन, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. मीन्स जो भी वो पॉलीगन है उनके कोरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे? इक्वल. ध्यान दो एक बार, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं. इधर
मैंने एक ट्रायंगल लिया ए बी सी, सेकेंड ट्रायंगल डी ई एफ, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल डी एफ, सपोज बोथ पॉलीगन्स आर सिमिलर, मीन्स दोनों ट्रायंगल कैसे ट्रायंगल हैं, सिमिलर ट्रायंगल, तो वो कंडीशंस कैसे चेक करोगे, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, लेट इन ट्रायंगल ए बी सी फर्स्ट एंगल 50 डिग्री, सेकेंड 60 डिग्री, देन सी एंगल इज 70 डिग्री, इफ ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर, दिस साइन इज दिस सिंबल ऑफ सिमिलर, इफ ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी एफ, देन एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, मीन्स जितना एंगल ए होगा उतना ही क्या होगा एंगल डी होगा, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, मीन्स एंगल बी एंगल ई के इक्वल होगा, देन एंगल बी इक्वल टू 60 एंड एंगल एफ इक्वल टू 70 डिग्री। तो यहां से आपको एक बात पता चली कि पॉलीगन्स अगर सिमिलर पॉलीगन हैं तो उनके कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। और एक इंपॉर्टेंट बात जिसका आपको ध्यान रखना है, सीक्वेंस एंगल ए इक्वल टू डी, बी इक्वल टू ई एंड सी इक्वल टू एफ। ये तो हो गई इसकी फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है देखो, सेकंड कंडीशन रेशियो ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स, रेशियो ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, मीन्स जो भी आपके पास सिमिलर ट्रायंगल हैं उनकी कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स बनेंगी, उनका रेशियो सेम बनेगा। ट्रायंगल ए बी सी, हेयर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, मीन्स ये जो ए बी सी ट्रायंगल है वो डी ई एफ ट्रायंगल के सिमिलर ट्रायंगल है। तो यहां से हम क्या बोलेंगे, रेशियो ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स, मीन्स ए बी अपॉन फर्स्ट सेकेंड टू वर्टेक्स, देन इन सेकेंड ट्रायंगल फर्स्ट एंड सेकेंड, ए बी अपॉन डी इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ, एंड थर्ड ए सी अपॉन डी एफ, ए सी अपॉन डी एफ। ये हो गई टू कंडीशंस, कौन कौन सी, रिपीट कर रहा हूं ध्यान से सुनोगे आप, इफ टू पॉलीगन्स आर सिमिलर पॉलीगन्स देन corresponding angles are equal, corresponding angles are equal, and second condition ratio of corresponding sides are equal, ये हैं similarity conditions। एक्सरसाइज 11.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुका है, सेकेंड क्वेश्चन आपके पास है ट्रू एंड फॉल्स। आप सभी अपनी बुक में चेक करेंगे क्वेश्चंस और साथ में हम इसको समझेंगे। देखो क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, टू कॉन्ग्रेंट फिगर्स आर सिमिलर, मीन्स टू कॉन्ग्रेंट फिगर गिवन है, और अगर वो कॉन्ग्रेंट हैं तो आप उनको सिमिलर भी बोल सकते हो क्या, अभी चेक कर लेते हैं। कॉन्ग्रेंट फिगर्स का मतलब क्या होता है, साइज एंड शेप बोथ सेम, साइज सेम एंड शेप सेम, और हम इन कॉन्ग्रेंट फिगर्स को सिमिलर फिगर्स बोल सकते हैं क्या, जी बिल्कुल बोल सकते हैं। कैसे, यस वी कैन से कॉन्ग्रेंट फिगर्स आर सिमिलर फिगर बिकॉज वी वांट इन सिमिलर फिगर ओनली सेप सेम, मींस हमें सिमिलर फिगर्स में केवल और केवल सेप सेम होनी चाहिए। अगर साइज डिफरेंट है कोई दिक्कत नहीं, साइज सेम है या डिफरेंट है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सेप सेम है तो वो सिमिलर फिगर है, हमें सेप सेम इसकी रिक्वायरमेंट थी और वो कॉन्ग्रेंट फिगर में मिल गई, तो हम क्या बोल सकते हैं, ऑल कॉन्ग्रेंट फिगर्स आर सिमिलर फिगर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इसका हो जाएगा ट्रू। सेकेंड स्टेटमेंट, टू सिमिलर फिगर्स आर कॉन्ग्रेंट मीन्स जो सिमिलर फिगर्स हैं आप उनको कॉन्ग्रेंट फिगर्स बोल सकते हो क्या, नहीं। कैसे, देखो, गिवन सिमिलर फिगर्स मीन्स साइज नॉट सेम बट शेप सेम,
साइज सेम नहीं है, शेप सेम है, और साइज और शेप दोनों सेम होंगी तो हम उनको कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं, लेकिन यहां तो सिर्फ शेप सेम गिवन है तो हम इनको कॉन्ग्रुएंट नहीं बोल सकते। देन वी कांट से ऑल सिमिलर फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। देन सेकंड पार्ट इज फॉल्स। थर्ड पार्ट, टू पॉलीगन्स आर सिमिलर। टू पॉलीगन्स आर सिमिलर मीन्स दो पॉलीगन सिमिलर हैं। कब? इफ देयर कोरेस्पोंडिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। इफ देयर कोरेस्पोंडिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो मीन्स ये सेकेंड कंडीशन गिवन है, और सिमिलर फिगर में तो दोनों कंडीशंस गिवन होनी चाहिए, एक से काम नहीं चलेगा। और पॉलीगन्स हैं, आपको पता थोड़ी है कि पॉलीगन्स में नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, ठीक है, तो हम इसको सिमिलर नहीं बोल सकते। ट्रू होगा या फॉल्स होगा? यस फॉल्स। फोर्थ पार्ट, टू पॉलीगन्स आर सिमिलर। टू पॉलीगन्स आर सिमिलर सेम टू सेम पार्ट है, थोड़ा सा चेंज है, और वो क्या है आप समझोगे इसको। टू पॉलीगन्स आर सिमिलर इफ देयर कोरेस्पोंडिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। इफ देयर corresponding sides are proportional and corresponding angles are equal। इसमें दोनों condition given है, corresponding sides are proportional means proportional का मतलब होता है same ratio, proportional means same ratio, corresponding sides are proportional and corresponding angles are equal means दोनों condition given है, और दोनों given है तो confirm है कि वो polygon कैसा polygon होगा, कैसे polygon होंगे वो, similar polygons, तो ये statement हो जाएगा true। फिफ्थ पार्ट, टू पॉलीगन्स आर सिमिलर। टू पॉलीगन्स आर सिमिलर इफ कोरेस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल मीन्स दो पॉलीगन सिमिलर होंगे अगर उनके कोरेस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल हैं। नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि इसमें तो सिर्फ और सिर्फ सिंगल कंडीशन गिवन है, और हमें कितनी कंडीशंस की रिक्वायरमेंट है, टू। Corresponding angles are equal and ratio of corresponding sides are equal, और इसमें तो सिर्फ one condition given है, और अगर ऐसा होता कि number of sides equal है तो भी हम सोचते उसके बारे में, लेकिन इसने तो साफ साफ बोल दिया two polygons are similar means polygons की number of sides के बारे में हमें नहीं पता कि कितनी number of sides हैं। Okay, second question completed। Third question देखो, exercise 11.1 question number 3। गिव एनी टू एग्जाम्पल्स ऑफ सिमिलर फिगर मीन्स आपको सिमिलर फिगर के कोई भी टू एग्जाम्पल्स देने हैं विद देयर डायग्राम्स, उनके डायग्राम के साथ में, तो ये आप अच्छे से कर सकते हो। दोनों कोई भी दो ऐसे एग्जाम्पल है ना, उनके डायग्राम बनाने हैं और उनके नेम राइट करने हैं। चलो एक मैं बता देता हूँ आपको, एक आप करके दिखाओगे मुझे। रेक्टेंगल, फर्स्ट रेक्टेंगल, सेकेंड रेक्टेंगल, रेक्टेंगल ए बी सी डी, रेक्टेंगल पी क्यू आर एस, लेट साइड ए बी 2 सेंटीमीटर, देन सी डी इज ऑल्सो 2 सेंटीमीटर, बी सी 5 सेंटीमीटर एंड ए डी 5 सेंटीमीटर। ये आपके पास रेक्टेंगल है बिकॉज ओपोजिट साइड्स आर इक्वल, और हमने ये लिया भी रेक्टेंगल ही है क्योंकि हमें तो एग्जांपल्स देने हैं इनके, ठीक है। नेक्स्ट देखो, रेक्टेंगल और रेक्टेंगल ऐसे ही नंबर ऑफ साइड्स के हिसाब से आप रेशियो चेक कर लोगे। एक एग्जांपल मैंने आपको दे दिया है, दूसरा आप खुद करोगे, ठीक है। एक्सरसाइज 11.1 कंप्लीटेड। अब इसके बाद हम बात करेंगे, एक इंपॉर्टेंट थ्योरम आती है इसमें, बीपीडी, जिसे आप थेल्स थ्योरम भी बोलते हो, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। फुल फॉर्म ऑफ बीपीडी इज बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। मैक्सिमम टाइम इसका स्टेटमेंट आता है, प्रूव करवाते हैं डायरेक्ट इसको। इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आप इसको ध्यान से समझोगे, इसकी कन्वर्स और डायरेक्ट थ्योरम दोनों करेंगे हम यहां पर। देखो बी पी टी, फुल फॉर्म ऑफ बीपीडी इज बेसिक प्रोपोर्शनल, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम।
Another name of this theorem is Thales theorem. स्टेटमेंट क्या होता है इसका देखो, पहले मैं यहां स्टेटमेंट राइट कर दूं, आप उसको रीड करोगे, उसके बाद जैसा स्टेटमेंट में बोला है वैसा हम डायग्राम बनाएंगे. स्टेटमेंट ए लाइन सेगमेंट, ए लाइन सेगमेंट इज, ए लाइन सेगमेंट इज पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल इंटरसेक्टिंग अदर टू साइड्स, देन this line segment, then this line segment divides corresponding sides in same ratio. ये होगा इसका स्टेटमेंट. और जब भी आपसे प्रूव करवाएगा तो साफ साफ बोलेगा कि प्रूव दैट ए लाइन सेगमेंट इज पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल इंटरसेक्टिंग अदर टू साइड्स, देन दिस लाइन सेगमेंट डिवाइड्स कोरिस्पोंडिंग साइड्स इन सेम रेशियो. मींस इस स्टेटमेंट से पहले हम डायग्राम बनाएंगे, आप अच्छे से उस डायग्राम को समझोगे कि डायग्राम में और इस स्टेटमेंट में बोला क्या है, ठीक है, उसके बाद हम उसको प्रूव करेंगे. देखो, ए लाइन सेगमेंट इज पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, मींस जो बात हो रही है वो एक ट्रायंगल की हो रही है. देन फर्स्ट मेक ए ट्रायंगल, ये हमने एक ट्रायंगल बना दिया, ठीक है. ए लाइन सेगमेंट इज पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, मींस एक ऐसी लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है जो इस ट्रायंगल के किसी वन साइड के पैरेलल हो, इंटरसेक्टिंग अदर टू साइड्स, और वो लाइन सेगमेंट अदर टू साइड्स है उनको इंटरसेक्ट भी करना चाहिए. ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट, नेम ऑफ दिस लाइन सेगमेंट इज डी ई, दिस ट्रायंगल इज ट्रायंगल ए बी सी. If this line segment D parallel to BC, means ये given है आपको कि जो line segment DE है वो किसके parallel है, BC के parallel है, then this line segment divides these corresponding sides in same ratio, means ये जो DE है ये इन AB और AC line को same ratio में divide करेगा. कैसे check करोगे आप इसको, हम जब भी प्रूव करते हैं किसी थ्योरम को या किसी क्वेश्चन को तो वहां उसकी जो पॉइंट्स होते हैं वो कंप्लीट राइट करने हैं आपको. फर्स्ट पॉइंट गिवन इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल इज ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी डी पैरेलल टू बी सी, ये जो साइन है वो पैरेलल का साइन है, आपको अच्छे से दिख रहा है, इसमें विजिबल है, ठीक है. डी पैरेलल टू बी सी, गिवन पॉइंट इज डी पैरेलल टू बी सी. आफ्टर टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव ये करना है डी पैरेलल टू बी सी, इफ डी पैरेलल टू बी सी देन ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए अपॉन ई सी, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए अपॉन ई सी. मीन्स ये जो ए डी और डी बी का रेशियो है वो ही रेशियो इन ए और ई सी का होना चाहिए, ठीक है. ये हो गया टू प्रूव, जो कुछ आपको गिवन था उससे अगर आपका काम नहीं चल रहा हो, उससे अगर आप प्रूव नहीं कर पा रहे हो, तो हम फिर ज्योमेट्री में लेते हैं कंस्ट्रक्शन. और उस कंस्ट्रक्शन का यूज कैसे करना है ध्यान देंगे आप इधर. नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन, और कंस्ट्रक्शन में क्या करना है,
join point B to E and point D to C. First write, join point B to E and D to C means point B को E से join करना है and point D को C से join करना है. उसके बाद क्या करना है, draw two perpendiculars. First perpendicular from point E on AD, second perpendicular from point D on AE. Means इस E point से आपको एक perpendicular draw करना है और परपेंडिकुलर आप अच्छे से जानते हो एल्टीट्यूड. मीन्स ई से जो आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहां मैंने पॉइंट डिनोट कर दिया है एफ. वी कैन से ई एफ परपेंडिकुलर ऑन ए डी एंड अनदर परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट डी ऑन ए. मीन्स इस डी से एक दूसरा परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, वो कहां करेंगे, ए पे. एंड दिस पॉइंट इज पॉइंट जी. ये हो गई कंस्ट्रक्शन कंप्लीट. कंस्ट्रक्शन में सेकंड पॉइंट भी राइट कर रहा हूं मैं यहां पर. फर्स्ट पॉइंट ऑफ कंस्ट्रक्शन इज जॉइन पॉइंट बी टू ई एंड डी टू सी. अनदर पॉइंट ऑफ कंस्ट्रक्शन इज, मैं शॉर्ट में राइट कर दूं, आप इसको समझ गए होंगे, स्टेटमेंट आप कंप्लीट बना लोगे. देखो, ई एफ परपेंडिकुलर ऑन ए डी एंड DG perpendicular on AE. DG perpendicular on AE. ये हो गया है given to prove construction. इतना सब कुछ करने के बाद में और एग्जाम में आपको ये सारे पॉइंट्स राइट करने हैं given to prove construction. उसके बाद हम करेंगे इसको प्रूफ. अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, कोई भी ट्रायंगल है उसमें बेस और हाइट गिवन है तो उसका एरिया क्या होता है. हाँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ इनटू बेस इनटू हाइट. हमें रिक्वायरमेंट जिसकी है हम उसके हिसाब से चलेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम एग्जाम वो ट्रायंगल्स यूज करेंगे और उनका रेशियो बनाएंगे. फिर एडी अपॉन डी बी मीन्स हमें रिक्वायरमेंट ए डी की है और रिक्वायरमेंट ए डी की है तो बेस ए डी और ए डी के ऊपर परपेंडिकुलर मैं ई एफ यूज कर सकता हूं क्या. देखो इस डायग्राम में बेस ए डी एंड परपेंडिकुलर ई एफ, तो इस ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा आपके पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इक्वल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. हमें रिक्वायरमेंट ए डी की है तो हमने क्या किया, बेस क्या यूज किया, ए डी. हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट इज ई एफ. अगर आपको ये समझ में नहीं आया हो तो आप इधर से ध्यान से समझो इसको. अगर मैं इस ट्रायंगल को एक बार रोटेट कर दूं, बेस एडी बनेगा तो एडी के ऊपर परपेंडिकुलर क्या है, ई एफ, और परपेंडिकुलर हमेशा उसके हाईएस्ट पॉइंट से, ट्रायंगल के हाईएस्ट पॉइंट और पीक पॉइंट से लिया जाता है. ठीक है, इसका रेशियो किसके साथ बनाना है, एडी का रेशियो हमें डीबी के साथ बनाना है. तो मैं डायरेक्ट इसी के साथ कर लूं. अगर हमें इसका रेशियो बनाना है तो ऊपर हमने लिया है ट्रायंगल एडीई और नीचे जहां डीबी आ रहा है वो कौन सा है, ट्रायंगल डी बी ई. तो नीचे जो एरिया वो यूज करेंगे हम, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई. अब जो डी बी का एरिया वो कैसे बनेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस बेस इज डी बी, बेस इज डी बी. और ये डी बी बेस क्यों लिया है, ये आपको यहां से समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमें रिक्वायरमेंट है ए डी अपॉन डी बी. ऊपर ए डी की रिक्वायरमेंट थी तो हमने बेस क्या यूज किया, ए डी. हमें नीचे डी बी की रिक्वायरमेंट है तो हमने बेस क्या यूज किया, नीचे डी बी. हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. अब इस बी डी ट्रायंगल की हाइट आप मुझे बताओगे क्या होगी, चेक करना.
इन ट्रायंगल डीबीई हाईएस्ट पॉइंट और पीक पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है इसका? अगर मैं इसको बेस लूंगा तो हाईएस्ट पॉइंट ई बनेगा, और ई की इस डीबी के साथ परपेंडिकुलर हाइट कौन सी बनेगी? ईएफ। इसको एक्सटेंड करते ही हाइट तो यही बनेगी इसकी, ईएफ, सेम टू सेम। आगे बात समझ में आपको? चलो नहीं समझ में आए तो इधर ध्यान दो एक बार आप। मैंने एक ट्रायंगल बनाया है इधर, ये ट्रायंगल है ए बी सी। मैंने बेस इसका मुझे एरिया चाहिए हाफ इंटू बेस बी सी, और अब इसकी हाइट की रिक्वायरमेंट है। तो हाइट क्या लोगे आप इसकी? हाइट के लिए हमें पहले पीक पॉइंट पे चलना होगा। अब इस पीक पॉइंट के साथ और इस बी सी के साथ परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ होनी चाहिए, वो ऐसे होगी। एक्सटेंड किया तो ये बनेगा यहाँ एंगल 90, और ये हो गया इस पर परपेंडिकुलर ए बी सी। इसको मैंने बोल दिया डी, ए डी परपेंडिकुलर ऑन बी सी। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं? हाफ इंटू बेस बी सी इंटू हाइट ए डी। सेम टू सेम ऐसे ही आपको इधर से चेक करना है। इन ट्राइंगल बी डी ई बेस बी डी देन हाइट ई एफ, हाफ इंटू डी बी इंटू ई एफ। ओके, ध्यान दो आप इधर। इसके बाद क्या करना है? हाफ टू हाफ कैंसिल, ई एफ टू ई एफ कैंसिल, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई इक्वल ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी, इक्वेशन फर्स्ट। ओके, अब हम बात करेंगे किसकी? ए एंड ई सी। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ए एंड ई सी। फर्स्ट ट्रायंगल ए डी ई, हमें बेस यूज करना पड़ेगा ए ई। क्यों? क्योंकि हमें रिक्वायरमेंट किसकी है? हमें रिक्वायरमेंट ए ई की है। अब क्या करना है सेकंड में? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, क्योंकि बेस ए ई इसमें भी यूज कर सकते हैं हम। नीचे कौन सा ट्रायंगल यूज करोगे? हमें रिक्वायरमेंट है इसी की। किसकी रिक्वायरमेंट है? इसी। और रिक्वायरमेंट इसी है तो इसी को यूज करते हुए ट्रायंगल कौन सा यूज करोगे? ट्रायंगल ई सी डी। कौन सा ट्रायंगल? ई सी डी। सिमिलरली जैसे आपने पीछे लिया ना ट्रायंगल डी बी ई, सेम टू सेम ई सी डी। देखो इधर, एरिया ऑफ ट्रायंगल ई सी डी इक्वल फर्स्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी हाफ इंटू। अब आप ये सेम टू सेम राइट मत करना। क्यों? क्योंकि हमें रिक्वायरमेंट ए ई की है। रिक्वायरमेंट ए ई की है तो बेस क्या लेंगे हम? ए ई। हाफ इंटू बेस ए ई इंटू हाइट, हाइट इज डी जी। ए ई पर परपेंडिकुलर कौन है? डी जी। देन हाइट इज डी जी, हाइट डी जी। ठीक है, ध्यान दो इधर। अपॉन हाफ इंटू बेस इन दिस ट्रायंगल ई सी डी, बेस इज ई सी, बेस ई सी एंड परपेंडिकुलर डी जी, हाफ इंटू ई सी इंटू डी जी। हाफ टू हाफ कैंसल, डीजी टू डीजी कैंसल, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ई सी डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ई सी डी इक्वल ए ई अपॉन ई सी। नाउ चेक इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, राइट हैंड साइड ए डी अपॉन डी बी ए ई अपॉन ई सी, एंड वी वांट ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। मीन्स फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन की, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन की राइट हैंड साइड सेम है, सॉरी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन की राइट हैंड साइड को हमें सेम बनाना है, क्योंकि हमें सेम की रिक्वायरमेंट है। और ये सेम कब होगी? जब इनकी लेफ्ट हैंड साइड सेम होगी। और लेफ्ट हैंड साइड में देखो अपर पार्ट न्यूमरेटर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, इन दोनों की वैल्यू इक्वल है। अगर हम इन दोनों की वैल्यू इक्वल और लेके आ जाएं तो अपना काम हो जाएगा। और ये इक्वल है, कैसे है देखो, सॉरी इन दोनों की डी बी एंड ई सी डी को, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, फर्स्ट न्यूमरेटर
एंड इन इक्वेशन सेकंड न्यूमरेटर सेम डिनोमिनेटर सेम कैसे बनेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीई इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल ईसीडी इन दोनों का एरिया इक्वल होता है और वो क्यों होता है आपने नाइन्थ क्लास में एक प्रॉपर्टी पढ़ी है इफ टू ट्रायंगल्स हैविंग सेम बेस मींस ऐसे दो ट्रायंगल जिनका बेस सेम हो इफ टू ट्रायंगल्स हैविंग सेम बेस एंड लाई बिटवीन सेम पैरेलल लाइन देन एरिया ऑफ बोथ ट्रायंगल्स आर इक्वल मींस ऐसे कोई ट्रायंगल जिनका बेस सेम हो और वो सेम पैरेलल लाइन के बीच में लाई करते हो तो उनका एरिया क्या होता है इक्वल और ये जो आपने टू ट्रायंगल्स यूज किए हैं उनका बेस चेक करूं इन फर्स्ट ट्रायंगल डीबीई डी इन सेकंड ट्रायंगल ईसीडी डी मींस दोनों का बेस हम डी ले सकते हैं बेस सेम है और दोनों सेम पैरेलल लाइन डी और बीसी के बीच में लाई करते हैं तो हम क्या बोल सकते हैं इन दोनों का एरिया क्या है इक्वल यहां मैं थ्योरम राइट कर सकता हूं चलो आप अच्छे से सुनना इसको आप अपने नोटबुक में राइट करना इफ टू ट्रायंगल्स हैविंग सेम बेस एंड लाई बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस देन एरिया ऑफ बोथ ट्रायंगल्स आर इक्वल यहां पर ये स्टेटमेंट राइट करना है आपको ठीक है देन फ्रॉम दिस स्टेटमेंट वी कैन से इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी और ये ही आपकी है बीपीडी थ्योरम जो आपको प्रूव करने के लिए बोला गया था ओके अब हम बात करेंगे बीपीडी की कन्वर्स थ्योरम की ठीक है और वो हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे आपको क्या करना है इस बीपीडी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको सोल्व करने हैं एक्सरसाइज 11.2 के क्वेश्चंस आपको सोल्व करने हैं अगर कोई भी डाउट आपके आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं ओके आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में